Yes. So yesterday we just started. Chapter is consumer equilibrium, and there are two analyses here, two types of approaches with the help of which we have to study the concept of consumer equilibrium. One approach is known as cardinal approach or cardinal analysis. According to that, utility can be measured in numbers. Okay, cardinal numbers मतलब counting वाले numbers. On the other side. And this is cardinal analysis में जो when we say that utility can be measured in numbers, तो in a way theoretically तो it is okay on the in the notebook on the register or in on the paper we can write all the things, but in reality every time when we consume anything, तो at that time we do not think about numbers in our mind, है ना? कोई चीज़ खाते हैं या कुछ consume करते हैं, तो at that time we never think in this manner कि भाई इससे हमें वन वन नंबर यूटिलिटी मिली है, इससे हमें 10 यूनिट्स सेटिस्फेक्शन मिली या 20 यूनिट्स मिली, ऐसा कुछ सोचते नहीं है. एट दैट टाइम व्हाट इन व्हाट मैनर डू वी थिंक? वी थिंक इन ए वे कि इस चीज़ को कंज्यूम करके हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, एंड आफ्टर कंज्यूमिंग दिस थिंग वी हैव गॉट लेस सेटिस्फेक्शन. मतलब वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मोर और लेस, है ना? लार्ज और लेस, लार्ज और लिटल, जैसे मर्जी उसको बोल सकते हैं, ज़्यादा या कम वाली टर्म्स में, या बढ़िया घटिया, सुपीरियर इन्फीरियर, कम ज़्यादा, इस तरह की टर्म्स हमारे माइंड में ज़रूर आती हैं. नंबर्स नहीं आते हैं, बट कम ज़्यादा वाली फीलिंग ज़रूर आती है कि ये खा के मुझे बहुत मज़ा आया, ये चीज़ खा के मुझे बहुत मज़ा नहीं आया, ये चीज़, ये ड्रेस पहन के मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वाली ड्रेस पहन के मुझे ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा, है ना? तो इस टाइप की फीलिंग्स होती हैं. तो सेम थिंग इज गिवन हियर. ये वाला जो एनालिसिस है, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल वर्ड बना है ऑर्डर से. भी हम लोग जो आम कंज्यूमर्स हैं, वी कैन ऑर्डर अवर यूटिलिटी. ऑर्डर माने प्रेफरेंस दे सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं कि ये ज़्यादा बढ़िया लगती है चीज़, ये कम लगती है. मतलब ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैन बी गिवन. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच. तो इन ऑर्डर टू नो दिस अप्रोच, फर्स्टली वी नीड टू नो दीज टू कॉन्सेप्ट्स. इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, वन इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व, वन कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बजट लाइन या प्राइस लाइन. सो पहले हमने दोनों का, फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, उनकी प्रॉपर्टीज पहले समझनी पड़ेंगी, फिर लेटर ऑन इन द एंड वी विल गो एट द पॉइंट ऑफ दिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना स्कूल की सेकंड फ्लोर के ऊपर जाना है, तो सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर से छलांग नहीं लगा सकते हैं, पहले हमें स्टेप्स चढ़ने ही पड़ेंगे, तभी जाके हम सेकंड फ्लोर पे पहुंचेंगे, है ना? तो सेम वे इट इज देयर कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच वी कैन अंडरस्टैंड ओनली वेन वी नो द मीनिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज टर्म्स. सो दैट मीन्स फर्स्टली वी शुड नो देम. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस फर्स्ट टर्म, दैट इज इनडिफरेंस का. ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, आई सी, कैपिटल लेटर्स में. आई सी वो वाला नहीं जैसे हम कहते हैं अच्छा ओ आई सी मैं देखता हूँ, वो वाला आई सी नहीं, आई ये वाला कैपिटल लेटर वाला आई सी. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है? इनडिफरेंस कर्व मीन्स, आपको अगर नाम ही आप देखें तो इनडिफरेंस, इनडिफरेंस शब्द का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंस का मतलब कि जब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल, जैसे हम बोलते हैं वी आर न्यूट्रल टू एनी थिंग, कि कोई कुछ मर्जी हो जाए हमें कोई फर्क ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, है ना? जैसे आपने कई बार ही सुना होगा मैनी पीपल से, कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट बन जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? वी आर न्यूट्रल कोई भी बन जाए, मतलब इस तरह की बड़ी बार हम ऐसे सोचते हैं. तो इनडिफरेंस वर्ड का मतलब है कि वेन वी आर न्यूट्रल, कि कोई भी आ जाए, है ना? तो उसके लिए इनडिफरेंट, इनडिफरेंट या इनडिफरेंस वर्ड यूज़ किया जाता है. बट अब इसका इकोनॉमिक्स में क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इज़ ए कर्व, इट इज़ ए डायग्रामेटिक या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. किस चीज़ की? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए कर्व. एक कर्व को बनाते हैं, इसमें ड्रॉ करते हैं, एंड व्हाट डज दैट कर्व शो? इट शोज, या दैट कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स. ठीक, द कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच यील्ड, यील्ड वर्ड का मतलब प्रोवाइड या गिव, जो हमें देती है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस जो हमें प्रोवाइड करते हैं या हमें यील्ड करते हैं, देते हैं, क्या देते हैं? इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर ऑन ऑल द पॉइंट्स. मतलब ये ऐसी कर्व जिसमें हम दो चीज़ों के कॉम्बिनेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वी शो कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, और वो जो कॉम्बिनेशंस है दे गिव अस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. इक्वल का मतलब सेम,
जितनी भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है हर एक कॉम्बिनेशन से सेम ही मिलती है, एक जैसी सेटिस्फेक्शन किसको, टू द कंज्यूमर ऑन ऑल पॉइंट्स, मतलब उस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, ऊपर नीचे सेंटर में कहीं पर भी, वो हर एक जो पॉइंट है दैट विल गिव अस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो बुक में डेफिनेशन हैज बीन गिवन, वर्डिंग में भी डिफरेंट, तो बीच में एक वर्ड आया है, इंडिफरेंस कर्व इज ए लोकस ऑफ ऑल, सेकेंड लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स. लोकस का मतलब होता है सेंटर, लोकस का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ें फोकस्ड होती हैं या कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं. तो हार्डली मैटर्स, आप लोकस वर्ड नहीं भी यूज करना, वी कैन सिंपली राइट, ये सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, वी कैन लर्न इन दिस मैनर कि इंडिफरेंस कर्व मीन्स दैट कर्व डायग्रामेटिक या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द कर्व विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव अस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. ठीक है, ऑन ऑल द पॉइंट्स, आई हैव केप्ट इट इन ब्रैकेट, ऑन ऑल पॉइंट्स वर्ड्स लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड हो जाता है जब हम कर्व की बात करते हैं, तो ऑन ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, ये चाहे लिखना नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, अब इसी कर्व का एक और नाम है इक्वल यूटिलिटी कर्व, या इसी को कह देते हैं आईसो, आईएसओ, आईसो यूटिलिटी कर्व. तो उसका भी मतलब यही है, आईसो यूटिलिटी मतलब सेम यूटिलिटी, सेम सेटिस्फेक्शन, इक्वल यूटिलिटी शब्द वही यूज होना है यूटिलिटी, बट अब उसकी एक्सप्लेनेशन दूसरे तरीके से है. ठीक है, इक्वल यूटिलिटी का भी मतलब वही है कि हमें जिस कर्व के ऊपर सभी पॉइंट से हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले. तो दो तीन नाम है इस कर्व के, जो सबसे पॉपुलर है वो ये इंडिफरेंस कर्व नाम है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए टेबल एंड एग्जांपल डायग्राम. सो मान लीजिए देर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई. ठीक, एक्स वाई नाम इस करके रखते हैं क्योंकि जब हम फॉर्मूलाज करते हैं तो उसमें वी हैव टू यूज टेक्निकल टर्म्स फॉर्मूलाज, तो फिर वो उसमें एक्स वाई से ही एक्सप्रेस किया जाता है. तो दैट इज वाई वी कीप द नेम ऑफ द कमोडिटीज एज गुड एक्स या कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई. तो पहले लेते हैं, इधर वी विल राइट कॉम्बिनेशन, इधर लिखते हैं, अभी प्लीज इग्नोर द दीज ब्रैकेट्स, अभी इनको नहीं कंसिडर करना आपने, ये ब्रैकेट्स और ये वाली, इसको कुछ नहीं करना. यू जस्ट पे अटेंशन टू 1, 2, 3, 4, 5, इधर से 15, 11, 8, 6 एंड 5. ठीक, अच्छा अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दिस इज ए शेड्यूल, मीन्स टेबल है, ये क्या दिखा रहा है, इट इज शोइंग अस द कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ये 5 कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है. किस चीज़ों के कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कौन सी, जिनका नाम है एक्स एंड वाई. ठीक, अच्छा अब ए कॉम्बिनेशन क्या दिखा रहा है, कि ए कॉम्बिनेशन मतलब 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स हम ले रहे हैं एंड 15 यूनिट्स ऑफ गुड वाई ले रहे हैं, मतलब वी आर कंज्यूमर्स, हम दो चीज़ें परचेज कर रहे हैं, दो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, परचेज नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, ले पहले ही चुके हैं, खरीद पहले ही चुके हैं, 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स, 15 यूनिट्स ऑफ गुड वाई. फिर बी कॉम्बिनेशन कोई दूसरा है जिसमें हम क्या करते हैं, हम गुड एक्स को बढ़ाना चाहते हैं, वी आर टेकिंग 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स और वाई को थोड़ा सा कम कर देते हैं 11 यूनिट्स. सिमिलरली सी कॉम्बिनेशन, 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, 8 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, ऐसे ही डी, एंड डी के ऊपर क्या है, 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, 6 यूनिट्स ऑफ वाई, फिर 5 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, 5 यूनिट्स ऑफ वाई. ठीक, अच्छा ये जो अगर हम सिर्फ इतना ही लिखें, ये तीन कॉलम बना के ब्रैकेट्स को अगर छोड़ दें, तो फिर इसका मतलब ये हमारा जो टेबल है दैट इज शोइंग इनडिफरेंस कर्व. कर्व का मतलब ग्राफ के ऊपर, अभी ये टेबल है, इनडिफरेंस टेबल कह सकते हैं. अच्छा अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करना है आपने, जैसे हमने वो पीपीसी कॉन्सेप्ट में एज वी डिड, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. पीपीसी वाले कॉन्सेप्ट में क्या टर्म थी, वहाँ पे वी वर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन, यही कह रहे थे ना कि रिसोर्सेज वर टू बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. नाउ हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन, नाउ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर. अब कंज्यूमर एक डिफरेंट पर्सन होते हैं, आप मैं हम लोग सिर्फ जाते क्या है, बाजार जाते हैं, मार्केट से वी जस्ट स्पेंड मनी, चीज़ लेके आ जाते हैं. तो हम किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्टिंग एज कंज्यूमर्स, हम प्रोड्यूसर नहीं हैं, बनाने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ पैसे खर्च के चीज़ को बाय करके ले आते हैं. तो जो भी आदमी ऐसा काम करता है पर्सन, दैट पर्सन इज कॉल्ड कंज्यूमर. तो हम कंज्यूमर्स हैं. अब यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर, तो यहाँ पे हमने वी हैव टू राइट MRS, इसके नीचे सब्सक्राइब किया है, नीचे मतलब जैसे हम बोलते हैं ना नीचे पैरों में लिख देना थोड़ा सा नीचे करके, यहाँ लिख दिया XY. तो इसका फुल फॉर्म क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ X फॉर Y. फिर से मैं बोलती हूँ क्या है इसका फुल फॉर्म, दिया हुआ है बुक में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसका, ऑफ X फॉर Y. ठीक है, ऑफ X फॉर Y.
अब फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला वही है जो पहले ही किया था, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई मीन्स सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाई, लॉस ऑफ गुड वाई, डिवाइडेड बाई ये डेल्टा एक्स का मतलब गेन ऑफ, गेन मतलब फायदा जो और हमें मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, गेन ऑफ गुड एक्स. ठीक. अच्छा, अब वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हर बार जो ए कॉम्बिनेशन की बजाय इफ़ वी वांट टू टेक दिस बी कॉम्बिनेशन, तो आप देखो ए एक्स गुड में कितना चेंज आया है. पहले उसका वन यूनिट ले रहे थे, नाउ टेकिंग टू यूनिट्स, एक यूनिट का चेंज आ गया ना. तो यहाँ ये ब्रैकेट लगा के, ये लिखना नहीं होता, ये तो मैं आपको क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं समझाने के लिए ऐसे बना देती हूँ, बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी नो नीड टू राइट. तो एक यूनिट का चेंज आया. ऐसे ही फिर जब सी कॉम्बिनेशन लेते हैं फिर कितना चेंज आ रहा है एक्स कमोडिटी में. अब अगली बार भी दो से तीन ले रहे हैं फिर वन यूनिट का चेंज आया, फिर थ्री से फोर ले रहे हैं अगेन वन यूनिट का चेंज, फिर फोर से फाइव, हर बार वन यूनिट का ही चेंज आ रहा है. एवरी टाइम कितना यूनिट का चेंज आ रहा है, वन यूनिट का एडिशनल यूनिट, मतलब एक एक यूनिट हर बार चेंज हो रहा है. बट सेम थिंग इज नॉट हैपनिंग इन केस ऑफ वाई, हियर समथिंग डिफरेंट इज गोइंग ऑन एंड नाउ व्हाट इज दैट. अब यहाँ पे जब था हमारे पास, व्हेन वी वर हैविंग ए कॉम्बिनेशन, तो एट दैट टाइम वी वर यूजिंग 15 यूनिट्स ऑफ गुड वाई. बट जब हमारे पास वी आर यूजिंग बी कॉम्बिनेशन, तो नाउ वी आर यूटिलाइजिंग कंज्यूमिंग 11 यूनिट्स ऑफ गुड वाई. कितना चेंज आया गुड वाई में, एक ए से बी कॉम्बिनेशन तक आने के लिए वाई कमोडिटी की कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 4 यूनिट्स का, 15 में से 11 माइनस करते हैं, 15 माइनस 11, 4 यूनिट्स का चेंज आया. ठीक. देन सिमिलरली अगर सी कॉम्बिनेशन पे आते हैं तो हमें वाई का कितना चेंज लाना पड़ता है अपनी कंजम्पशन में, 11 माइनस 8, 3 यूनिट्स का, 3 यूनिट्स का. फिर अगर हम डी कॉम्बिनेशन पे आते हैं तो हमें कितना चेंज लाना पड़ता है इन द कंजम्पशन ऑफ वाई, 8 माइनस 6, 2 यूनिट्स का चेंज लाना पड़ता है. ऐसे ही व्हेन वी वांट टू यूज दिस ई कॉम्बिनेशन लास्ट वन, तो हमें वाई की कंजम्पशन में कितना चेंज करना पड़ रहा है, 6 माइनस 5 वाई, मतलब ऊपर से माइनस करते जाओ चेंज पता चल जाएगा. ठीक. इसका मतलब ये है यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम वी विल मेक, आपके बुक में यहाँ पर सीधा नहीं कॉलम बनाया हुआ है, एज यू कैन सी पेज 44 के ऊपर वहाँ पे ये कॉलम नहीं बनाया है, बट आप इसको बाद में, मैं जब ये पिक सेंड कर दूंगी आप बना लेना, ये बेटर है कि हम साथ साइड बाई साइड ही समझ लें इसको. तो अब यहाँ पर एम आर एस का मतलब है कि एक्स का एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ वाई आर टू बी लेफ्ट बाय द कंज्यूमर. एम आर एस मीन्स कि इन ऑर्डर टू टेक वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स. ध्यान से सुन लो बेटे, मैं स्लो बोलती हूँ, वेरी इजी, आप अपने आप भी लाइन बना सकते हैं. फिर से सुनो मैंने क्या बोला, इन ऑर्डर टू टेक एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स द कंज्यूमर हैज टू लीव फर्स्टली 4 यूनिट्स ऑफ गुड वाई. बन गई लाइन अपनी. ठीक है. फिर अगली बार फिर यही कहेंगे कॉमा लगा के, अगेन इन ऑर्डर टू टेक या गेट वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड एक्स नाउ कंज्यूमर हैज टू लीव या ही लीव्स 3 यूनिट्स ऑफ गुड वाई. फिर अगली बार ऐसे ही बोले जाना जितनी बार हमने ये 4-5 बार लिखा है. इन ऑर्डर टू, हर बार इसको अगर सीधा सीधा हम कहें तो ऐसे वी कैन से एवरी टाइम इन ऑर्डर टू टेक एन एक्स्ट्रा यूनिट, एक्स्ट्रा मतलब एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, एवरी टाइम ए कंज्यूमर हैज टू लीव द कंजम्पशन ऑफ मोर एंड एवरी टाइम द कंज्यूमर हैज टू लीव सम यूनिट्स ऑफ गुड वाई. ये इतनी लाइन क्लियर होगी. कुछ यूनिट उसको वाई के छोड़ने पड़ते हैं. बट वट इज हैपनिंग, किस रफ्तार से वो छोड़ रहा है, ईच टाइम ही वॉन्ट्स टू लीव लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई. फिर से सुन लीजिए मैंने क्या बोला, हर बार एक्स का फालतू यूनिट पाने के लिए, एडिशनल यूनिट पाने के लिए उसको वाई के कुछ यूनिट्स छोड़ने पड़ते हैं. बट कितने छोड़ने पड़ते हैं, हर बार वो पहले से कम छोड़ना चाहता है. पहले 4 यूनिट छोड़ने के लिए रेडी है, सेकेंड टाइम ही इज रेडी टू लीव ओनली 3 यूनिट्स. मतलब वो जैसे एक सिंपल सा ह्यूमन बिहेवियर है, आप देखो आपके आसपास कोई चीज़ हो तो हम सारा पाना चाहते हैं, हम छोड़ना थोड़ा थोड़ा कम चाहते हैं. हम ये नहीं चाहते कि हमारा नुकसान हो जाए, हमारे हाथ से चीज़ निकल जाए, चाहते नहीं हैं. मजबूरी में छोड़नी पड़ती है, तो जब मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है तो भी हम कोशिश करते कम से कम छोड़ना पड़े, कम से कम नुकसान उठाना पड़े. तो एवरी टाइम कंज्यूमर वॉन्ट्स टू लीव लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाई. पहले 4 यूनिट्स छोड़ने को तैयार होता है, फिर जब जैसे ही वो इसको छोड़ता है ये एक्स्ट्रा पाता है. एक सीधा सा ह्यूमन बिहेवियर है, जब हमारे पास कोई चीज़ बढ़ती जाती है उसके प्रति हमारी अट्रैक्शन कम हो जाती है.
और जो चीज हमारे हाथ से छूट जाती है उसके लिए हमारा जो अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके लिए हमारी जो डिजायर होती है, हमारी अट्रैक्शन इच्छा होती है कि ये हमारे पास रहे ये चीज़, हमें उसकी मतलब इंपॉर्टेंस में ज़्यादा महसूस होनी शुरू हो जाती है, तो हम उसको कम छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई एवरी टाइम कंज्यूमर वॉन्ट्स टू लीव लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ गुड वाइन। अब इसी चीज़ को नाउ वी कैन शो इन दिस फॉर्म, इसी ये यही जो बिहेवियर है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब द रेट एट विच यूनिट्स ऑफ वाई आर सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू गेट वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। ठीक, बिल्कुल वैसा ही है तकरीबन जैसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किया था, बट उसमें फ़र्क ये था उसमें ये रेट बढ़ रहा था और उसमें प्रोडक्शन के व्यू पॉइंट से बात हो रही थी। अब यहाँ पे प्रोडक्शन के एंगल से बात नहीं हो रही है, वी आर पेइंग अटेंशन टू द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसी बात को अगर एक्सप्रेस करें विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, वही रहेगा सेक्रीफाइस कितना किया या लॉस कितना लेना चाहता है वाई का, डिवाइडेड बाय कितना गेन हो रहा है एक्स का। तो अब इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं। फर्स्ट को नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि फर्स्ट के पहले क्या था वी डोंट नो। फर्स्ट यूनिट से पहले एक्स की तो चलो समझ में आ सकता है कि जीरो यूनिट ऑफ एक्स वाज बीइंग कंज्यूम, वे कुछ नहीं कर रहा था, बट वाई का तो हम अपने पास से नहीं ना मान सकते कि वाई के कितने यूनिट वो कंज्यूम कर रहा था, वी डोंट नो। तो जब हम जानते ही नहीं है तो 15 में से क्या माइनस करें हमें पता ही नहीं चल सकता, डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस करके यहाँ नील का साइन कि भी अनडिसाइडेड है, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, बट फॉर नेक्स्ट यूनिट्स वी कैन से वेरी इजीली। तो अब अगले बी कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो रहा है, y का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4 यूनिट्स का, तो यहाँ लिख दिया 4 इज टू, मतलब रेशियो की फॉर्म में लिखना हो या 4 डिवाइडेड बाय 1 कर लो तो भी आंसर तो वही आ जाना है, 4 डिवाइडेड बाय x का कितना गेन हो रहा है 1 का। तो चाहे हम इसको लिख दें 4 डिवाइडेड बाय 1 या रेशियो की फॉर्म में लिख दें 4:1, बोथ मीन द सेम थिंग। अगली बार कितना हो रहा है 3 यूनिट्स छोड़ रहा है, 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस, तो 3:1, एक्स का हमेशा 1:1 ही बढ़ रहा है। ऐसे ही फिर नेक्स्ट टाइम डी कॉम्बिनेशन के लिए 2 यूनिट्स ऑफ वाई ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस या लूज, और कितने एक्स का मिलता है उसको फालतू एक्स्ट्रा 1। ऐसे ही लास्ट टाइम में ये वाई का कितना छोड़ने के लिए तैयार है 1 यूनिट, और मिलता कितना है उसको एक्स का 1 यूनिट, मतलब रेशियो की फॉर्म में हमने लिख दिया। आप रेशियो की फॉर्म में नहीं भी लिखना चाहते, यू कैन राइट हियर 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4, इसको अगर लिखना हो 3 डिवाइडेड बाय 1 दैट ऑल्सो मीन्स इक्वल टू 3, 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 1 डिवाइडेड बाय 1 1। मैथ्स में आपने किया है ना, दोनों तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी बात को। तो ये जो बन गया हमारा ये कॉलम, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स, कि भी हम एक्स को लेना चाहते हैं उसके लिए, उसके बदले में वाई को छोड़ना चाहते हैं, बट कितना छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ने की जो स्पीड है हर बार पहले के बजाय कम होती जा रही है। ठीक, अब बेटे दिस वॉज द सिंपलेस्ट वे इन विच आई कुड एक्सप्लेन, इससे और सिंपल नहीं हो सकता है, एंड आई एक्सपेक्ट कि सबको पता चल गया होगा। ठीक, अब इसी चीज़ को हमने द सेम टेबल, नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डायग्राम, जो भी शेड्यूल है, एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, एनी टेबल या शेड्यूल इन इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायग्राम ऑल्सो। तो अगर हम डायग्राम बनाते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए पॉइंट्स हैं, अदरवाइज जब आपको क्लियर हो जाएगा नो नीड टू टेक दीज पॉइंट्स। तो यहाँ ऑन एक्स एक्सिस गुड एक्स, यहाँ पे गुड वाई दिखा दिया, यहाँ कितने एक्स के यूनिट्स 5 हैं, तो यहाँ 5 तक पॉइंट लगा दिया, 1, 2, 3, 4, 5। वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15, तो आपने अपनी मर्जी से अपने हिसाब से एक्सिस लेके, तो अगर हम 2 का डिफरेंस लें 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते 16 तक हमारे पॉइंट्स लगेंगे। फिर हमने अगर पॉइंट्स को प्लॉट कर ले, सिर्फ समझाने के लिए है, बाद में मैंने पहले भी कहा प्रैक्टिस के बाद फिर प्लॉटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट टाइम ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा ये 15 है, 14 और 16 के बीच में 15, और नीचे से 1 यूनिट, तो ये बन गया हमारा ए कॉम्बिनेशन। फिर ऐसे ही दूसरा क्या है 2 and 11, तो एक्स का 2 इधर से वाई वाली साइड से 11 देख ले, बी पॉइंट बन गया। फिर सी कॉम्बिनेशन, इसमें क्या है 3 यूनिट्स ऑफ एक्स 8 ऑफ वाई, इधर से 3 इधर से 8 ऑफ वाई, इन दोनों को ज्वाइन कर दे सी पॉइंट बन गया। डी पॉइंट में क्या है, डी कॉम्बिनेशन में 4 and 6, एक्स का 4 वाई वाली साइड से 6, तो ये पॉइंट बन गया डी। और लास्ट इसमें क्या है 5 यूनिट्स ऑफ एक्स, वाई के भी 5, यहाँ से भी 5, इधर से भी 5, ये बन गया ई पॉइंट। ठीक, तो ये जो पॉइंट्स हैं दीज पॉइंट्स आर शोइंग दीज कॉम्बिनेशंस, है ना, कर्व के ऊपर जब हम किसी चीज़ को पॉइंट कहते हैं तो इसका मतलब ये एक्सप्रेस किस बात को कर रहा है, दीज पॉइंट्स आर एक्सप्रेसिंग दीज कॉम्बिनेशन। ये ए कॉम्बिनेशन है,
क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज x की है, एक y की है, ये b c d सभी में मतलब कुछ x का है कुछ y का है, तो जब भी दोनों चीजों को ले रहे हैं तो ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक। अच्छा, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, हर बार x में अगर आप वीडियो ऑन कर लो तो आई कैन आस्क ऑल्सो, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क द क्वेश्चंस। अब मैंने क्वेश्चन कह दिया तो अब किसी ने ऑन नहीं करना है। सिमरन, नंदनी वर्मा, दिशा, मोहित, हेलन, दिशा शर्मा, सिर्फ चार बच्चों ने वीडियो ऑन किया हुआ है। चलो एनी हाउ, तो यहाँ पे ये कर्व का ऐसे हमने नीचे नाम रख दिया आईसी। आईसी का मतलब इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। आईसी मींस इंडिफरेंस कर्व, और द सेम इज कॉल्ड आइसो यूटिलिटी कर्व, ठीक। बीच में बुक में एक दो जगह आइसो यूटिलिटी या इक्वल यूटिलिटी कर्व है, एक ही बात है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, ऑल कॉम्बिनेशंस गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब आप या मैं, हम कंज्यूमर हैं, अगर हम ए कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं तो हमें जितनी भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी वट एवर, वही उतना ही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वी विल रिसीव इफ़ वी यूज़ बी कॉम्बिनेशन। अगर हम बी नहीं चाहते, इसको चाहने का मतलब है कि भी यहाँ पर बी, अगर बी लेते हैं तो इसका मतलब टू यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम करते हैं, सॉरी एक्स कंज्यूम करते हैं, और वाई के कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, ये कितना है 11 यूनिट्स। ए कॉम्बिनेशन में 15 यूनिट्स ऑफ वाई है और 1 यूनिट ऑफ एक्स है, मतलब क्वांटिटी दोनों की बदल रही है, ठीक है। तो जब क्वांटिटी बदल रही है, क्वांटिटी बदलने के बावजूद भी ये सारे हमें जो कॉम्बिनेशन है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, चाहे हम सी पॉइंट के ऊपर आ जाए, सी कॉम्बिनेशन को यूज़ कर ले, डी को कर ले, ई को कर ले, क्योंकि सेम लेवल दे रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है इनडिफरेंस। भी जो कंज्यूमर है ही इज इनडिफरेंट अमंग ऑल दीज कॉम्बिनेशंस, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो ई कॉम्बिनेशन वाली चीज़ों को इस्तेमाल कर ले, चाहे वो सी कॉम्बिनेशन को कर ले, चाहे डी को कर ले, चाहे बी को, ए को, किसी को भी कर ले। जैसे अब इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो आप बैठे हुए हो 9 o'clock की क्लास अटेंड करने। अच्छा, अगर आप ये कहो कि चलो जी मैंने तो अपनी जूम क्लास ऑन कर दी है, कोई मर्जी टीचर आके पढ़ा दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ा दो, चाहे बिजनेस पढ़ा दो, चाहे इंग्लिश पढ़ा दो, चाहे मैथ्स पढ़ा दो, कुछ भी पढ़ा दो, अगर आप ऐसे सोचो तो इसका मतलब क्या हुआ, यू आर इनडिफरेंट, कि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ मर्जी पढ़ा दो, हर एक को पढ़ के आप मानो आपको सेम ही मज़ा आ रहा है। अब सेम मज़ा कोई कहेंगे हमने तो सुनना ही नहीं है, जो मर्जी पढ़ाई जाओ बोल लीजिए, है ना, तो मज़ा ही मज़ा है। मतलब आपको सिर्फ बताने के लिए कह रही हूँ कि इनडिफरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, सिर्फ ओनली टू एक्सप्लेन दिस, कि पेपर में नहीं लिख देना ऐसी कहानी सारी, है ना, ये दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इनडिफरेंट का मतलब भी जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे बच्चे आप कोई वेजिटेबल खानी है तो मदर कोई भी बना दे आप खुशी खुशी खा लेते हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ा, कोई मर्जी बना दो, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनडिफरेंट। भी जो कंज्यूमर है वो न्यूट्रल है, कोई मर्जी कॉम्बिनेशन की चीज़ें उसको पकड़ा दो, ही विल यूज़ एंड ही विल बी सेटिस्फाइड, इक्वली सेटिस्फाइड होगा वो, उसको सेम ही खुशी होगी, सेम ही सेटिस्फेक्शन होगी, ये मीनिंग है इसका, ठीक। अच्छा, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन गो टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा, एक मिनट और, एक और चीज़ विच आई वॉन्टेड टू टेल यू। हाँ, अब आप ध्यान से देखिए, एवरी टाइम इन दिस एक्स कमोडिटी, एक्स गुड में सेम चेंज आ रहा है 1 यूनिट का, यहाँ भी 1 यूनिट का चेंज आया, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं 1 यूनिट का ही चेंज आ रहा है, बट एवरी टाइम वाई के जो यूनिट्स हैं ही, ये जो डिस्टेंस है वाई का वो हर बार बढ़ रहा है, ये वाला पार्ट, वर्टिकल पार्ट, ये ज़्यादा है, उसके बाद ये देखो 20, मतलब ये डिफरेंस कितना था, ये 4 का, ये वाला 4 का डिफरेंस है, ये लाइन थोड़ी लंबी होगी, ये 3 का डिफरेंस था, ये उससे थोड़ी कम होगी, यहाँ 2 का डिफरेंस था, ये देखो जो लेंथ ऑफ लाइन है ये वाली ट्रायंगल की वो कम हो गई यहाँ पर, उसके बाद ये वाली जो लाइन है थोड़ी हल्की सी दिख रही है, बट ये है लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ये और गैप कम हो गया। ये गैप कम होने का मतलब भी हर बार कंज्यूमर वॉन्ट्स टू लीव लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ वाई, जब उसके हाथ से वाई चीज़ छूट रही है तो ही इज़ गेटिंग मोर अट्रैक्टेड, उसको वो वाई की इम्पॉर्टेंस ज़्यादा महसूस होगी और वो छोड़ना नहीं चाहता है, तो अगर छोड़ने की नौबत आती भी है तो ही वॉन्ट्स टू लीव एज लेस एज पॉसिबल। पहले 4 यूनिट छोड़ने को तैयार हुआ, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये मतलब है इसका कि ये यही जो कर्व है, दिस इज़ नाउ यू सी दिस इज़ कन्वेक्स इन शेप,
मतलब ये अंदर की ओर मुड़ी हुई है, जैसे मैंने पहले भी बताया था स्पून, जैसे हम स्पून से खाना खाते हैं अंदर की ओर झुका हुआ होता है, तो कन्वेक्स ये मतलब गोलाई सी जो है ना ये ओरिजिन की तरफ ये कन्वेक्स शेप में आ रही है। क्यों कन्वेक्स शेप बनती है? जब भी ये जो रेट ऑफ चेंज होता है ये कम होता जाता है तो ऑलवेज वी गेट कन्वेक्स शेप। ठीक है जी, अब अगर थोड़ा सा रिकॉल कर लो पीछे जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पीपीसी किया था उसमें कनकेव शेप थी। नाउ प्लीज ट्राई टू कंपेयर द शेप्स। वो चपटी सी बाहर की ओर निकली हुई शेप थी। क्यों थी? क्योंकि उसमें जो एमआरटी था वो बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बट यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर में एमआरटी नहीं होता है, यहाँ पे टर्म होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और वो हर बार पहले से कम होती जाती है, दैट इज डिमिनिशिंग। ये एमआरएस हर बार डिमिनिश हो रहा है, पहले की अपेक्षा कम हो रहा है। ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अपनी प्लीज सी इन द बुक पेज 44। एक देखिए ये इंडिफरेंस कर्व के नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है, उसके ऊपर प्लीज राइट, ये है इंडिफरेंस कर्व व्हेन गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। आई होप यू गॉट द हेडिंग, इंडिफरेंस कर्व्स व्हेन गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे देखो आप इसके ऊपर प्लीज राइट ओनली रीडिंग, लर्निंग करना है ओनली, बस एक बार रीड करना है जरूर, सीरियसली सीरियस रीडिंग। तो नाउ यू सी यहाँ पर देखिए जो आईसी बनाई हुई है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना। तो स्ट्रेट लाइन कब बनती है? स्ट्रेट लाइन तब बनती है जब चीजें एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हों। कल भी बताया था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, दोज थिंग्स विच आर कंप्लीटली सिमिलर टू ईच अदर, 100% सिमिलैरिटी। पेन है तो एक जैसे पेन, कॉपियां है तो एक जैसी कॉपियां, बेड है तो एक जैसे बेड, कोई आइसक्रीम है तो बिल्कुल एक जैसी आइसक्रीम, टेबल है तो बिल्कुल एक जैसे टेबल, मतलब 100% सिमिलर फीचर्स हों तो कहलाती है कोई भी चीज़ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो इफ़ इन अवर लाइफ डेली लाइफ इफ वी यूज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स तो देन व्हाट विल हैपन टू आई सी, इट विल टेक द शेप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपके पास 15 पेन पड़े हुए हैं बिल्कुल एक जैसे, सेम एक ही फैक्ट्री के एक ही जगह से एक ही डिब्बे में से निकाल के, मान लो 15 पेन्स का सेट था आपने बॉक्स लिया, एक पेन निकाला वो भी वैसा ही है, सेकंड निकाला थर्ड निकाला जो मर्जी निकाले, जो ऑल पेन्स विल बी सेम, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा पेन यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। ठीक, तो ऐसे ही अगर बिल्कुल सेम चीज़ें हम अपनी लाइफ में यूज़ करें 100% सेम, तो फिर कोई डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस कम हो रही है कि बढ़ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर उस केस में आईसी की जो शेप है दैट कैन बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। बट इन रियलिटी सिंस वी नेवर मेक यूज़ ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, कभी भी ऐसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स यूज़ नहीं करते हैं, थोड़े मिलते जुलते हो सकते हैं बट 100% सिमिलर प्रोडक्ट्स वी नेवर यूज़। तो इस करके कभी भी आईसी की शेप इन रियलिटी नेवर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बट थ्योरेटिकली अगर हम कहना चाहें कि अगर ये एमआरएस सेम हो, ये देखो ये वाला जो एमआरएस है ये 4:1, 3:1 है ना, अगर इसकी बजाय ये यही होता 4:4, 4:4 या 1:1, 1:1 कोई भी नंबर आप सोच लो अपने हिसाब से, 2:2, 2:2, 2:2 जो मर्जी भी सोच लो, अगर ये सेम ही होता फिर स्ट्रेट लाइन बननी थी, क्योंकि अब ये सेम नहीं है हर बार कम हो रहा है इस करके कन्वेक्स शेप बनती है। ठीक, सो ये पैरा को जो जिसमें स्ट्रेट लाइन वाला दिया हुआ है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ओनली पढ़ लेना है अपनी नॉलेज के लिए। नाउ नेक्स्ट इज ये मैंने ऐप से ड्रॉ किया कि अब जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो सिंपली यू कैन ड्रॉ इन दिस मैनर, कि ऐसे हम अगर कर्व ड्रॉ कर दें साथ में लिख दें आई सी तो दैट इज अंडरस्टूड, देखो यहाँ पे नो पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड, कुछ प्लॉट नहीं किया है, बस सिंपली ऐसे भी बना दे तो भी काम चल जाएगा। ठीक, नाउ प्लीज कम टू नेक्स्ट पेज 45। अब वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिफर्ड बंडल्स एंड इन्फीरियर बंडल्स। ठीक है, अब प्रिफर्ड और इन्फीरियर क्या होता है, प्रिफर्ड एंड इन्फीरियर बंडल्स का मतलब है जब हम ये कहते हैं कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस आईसी कर्व गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना, इस लाइन पे हम कहीं भी घूमें, कहीं ऊपर जाओ नीचे जाओ, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो सेम ही है, तो ये यहाँ तो हो गई सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा, अब आप में से कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता सकता है, अगर हमें जो भी चीज़ें यहाँ पर इस आईसी कर्व के ऊपर वट एवर वी वर गेटिंग ऑफ एक्स एंड वाई, अगर हमें उसकी बजाय कुछ ज़्यादा मिल जाए एक्स का भी वाई का भी, वुड वी लाइक दैट और नॉट, वुड वी प्रिफर दैट और नॉट,
अगर हमें ये आईसी के ऊपर जो भी हमें एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन मिल रहा है ना, अगर हमें उससे ज़्यादा कुछ मिल जाए तो हमें खुशी होगी कि नहीं होगी? वी वुड बी हैप्पी, वी वुड प्रिफर दैट बंडल. बंडल का मतलब कॉम्बिनेशन, दो चीज़ों का पेयर भी, एक्स का भी है कुछ सामान, कुछ वाई का भी है, दोनों का कुछ ना कुछ है. तो एज ए कंज्यूमर वी वुड प्रिफर और नॉट. अच्छा, और ऐसे समझ लो, एक्स चीज़ की, ऐसे समझो, एक्स वाई को भी छोड़ो, आपके पास 5 पेन है, 2 रजिस्टर है, ठीक, आप खुश हो, आप बड़ा बढ़िया काम चल रहा है आपका. अब आपको कोई कहे कि 7 पेन्स ले लो, 3 रजिस्टर ले लो, आप खुशी से, एज ए कंज्यूमर हम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? 5 पेन, 2 की बजाय 3 की बजाय 5 या 7, कुछ भी, मतलब ज़्यादा अमाउंट सोच लो. फिर मुझे आप ही भूल गया मैंने कितने पेन बोले थे, जितने भी पहले बोले थे उससे ज़्यादा पेन, जितने भी पहले रजिस्टर बोले थे उससे ज़्यादा रजिस्टर. तो एज ए कंज्यूमर हमें ज़्यादा खुशी होगी, मिल ही रहा है ना, कुछ जा तो नहीं रहा पॉकेट से, मिल ही रहा है, हम कंज्यूम करके खुश होंगे, हमें ज़्यादा मिल रहा है. तो जब भी हमें कुछ ज़्यादा मिल जाए, दैट इज़ कॉल्ड, मतलब वो कब मिलेगा, जब हम इस आई सी की कर्व से थोड़ा ऊपर जाएंगे, इस लाइन से ऊपर कर्व से जाएंगे, तो ही हमें एक्स का ज़्यादा अमाउंट. मान लो ये पॉइंट है, अब आप ये पॉइंट को देखो, इसको नीचे अगर ज्वाइन करें एक्स एक्सिस पे, ये एक्स की क्वांटिटी पहले की अपेक्षा ज़्यादा है, अगर आई सी के ऊपर ही रहते हैं तो. मान लो ये पॉइंट है, ठीक, अब इस कर्व के बाहर ऊपर जाके कोई पॉइंट लेते हैं तो एक्स का भी अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है, और इधर देखो वाई का भी, ये डॉटेड सी लाइन लगाई हुई है, वाई का पहले वाई यूनिट मिल रहे थे, अब वाई 1 यूनिट मिल रहे हैं, मतलब पहले की बजाय ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं दोनों की, एक्स और वाई दोनों की. तो अगर हमें कुछ ज़्यादा बंडल मिल रहा है, बंडल माने पेयर ऑफ टू गुड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, तो देन दैट पेयर इज कॉल्ड, ये वाले कॉन्सेप्ट की जो लैंग्वेज है उसमें इसको बोल दिया जाता है बंडल. पेपरों वाला बंडल नहीं, चीज़ों का बंडल. बंडल का मतलब ये भी नहीं कि बंडल में फोल्ड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं. बंडल वर्ड ओनली इंडिकेट द पेयर कॉम्बिनेशन. तो दैट इज नोन एज प्रिफर्ड बंडल. भी कंज्यूमर उसको प्रिफर करेगा, ज़रूर चाहेगा कि मुझे ये मिल जाए, क्योंकि मुझे दोनों ही चीज़ें फिर ज़्यादा क्वांटिटी में मिल सकती हैं. ऑन दी अदर साइड, अगर कोई भी पॉइंट इस इंडिफरेंस कर्व के नीचे होगा, पीछे वाली साइड पे, यहाँ पीछे कहीं भी होगा, अब वो जो नीचे पॉइंट होगा, मान लो आई हैव टेकन दिस ए पॉइंट, आप कहीं भी ले लो, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी ले लो, अब आप उसको एक्सिस के साथ ज्वाइन करो. मान लो आई हैव टेकन दिस ए पॉइंट, तो अगर उसको एक्सिस के साथ ज्वाइन करें तो एक्स की मिल रही है, यहाँ ओ लिखना था, ओ एक्स क्वांटिटी, और वाई की कितनी क्वांटिटी मिल रही है, इधर ज्वाइन कर दे ओ वाई क्वांटिटी, इतनी. अब आप सोच के देखिए, ये क्वांटिटी कम है या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी क्वांटिटी विच वी विल वुड हैव गॉट ऑन आई सी कर्व. जो आई सी कर्व के ऊपर हमें मिल सकती थी, ये क्वांटिटी उससे बहुत कम है, है ना, नीचे ही है ना पॉइंट, ये इसके ऊपर होती. जैसे देखो, मैंने अब कैसे पता चले कितनी मिलनी थी, इसी पॉइंट को अगर आगे एक्सटेंड कर दें, मतलब जोड़ना है हमने एक्सिस के साथ, इसको एक्सटेंड कर दें, अब अगर हम आई सी के ऊपर होते तो वाई का तो हमें सेम ही अमाउंट मिलना था, ओ वाई, बट हमें एक्स का ज़्यादा अमाउंट मिल सकता था अगर हम आई सी के ऊपर होते. तो इसका मतलब जो कोई भी पॉइंट इस कर्व के नीचे होगा, आई सी कर्व के नीचे होगा, दैट इज़ कॉल्ड इन्फीरियर बंडल. Means consumer will not like to have any inferior bundle. He is equally satisfied at with any bundle which is lying, yeah, any combination which is yeah point lying on IC curve. But he would certainly prefer any bundle which is lying above this IC curve. ठीक, कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, सीधी सीधी सी बात है. IC curve के ऊपर जो point है वो that is a preferred point, preferred combination है. इसके नीचे जो है वो inferior है. inferior मतलब कोई standard में कमी नहीं, inferior का मतलब वो उसमें कम quantity में चीज़ मिल रही है, वो नहीं चाहेगा. any consumer would not want to have lesser quantity of any combination. कम गिनती में नहीं चाहेगा, ज़्यादा quantity में चाहेगा. तो ये जो बाहर होगा वो preferred है, जो नीचे होगा वो inferior है. इंफीरियर की जगह और कोई वर्ड नहीं यहाँ पे.